नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस समय हमें लगातार दो दिन से बहुत ही ज़्यादा अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और दो दिन से लगातार ये शेयर हमें अपर सर्किट में देखने को मिल रहा है। बात करेंगे हम इस वीडियो में कि जो ये इसमें तेजी देखने को मिल रही है, क्या ये तेजी आपको इसी प्रकार से कंटिन्यू देखने को मिलेगी। जो लोग भी इस शेयर में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, वो लोग अपने इसमें नेक्स्ट मूव क्या ले सकते हैं, जो लोग भी इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, वो लोग कौन से लेवल पे अपनी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, सारी बातें आपको बताएंगे हम इस वीडियो में। आपका एसएल कहाँ होगा, टारगेट कौन सा रहेगा, सारी बातें जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो और आप देखें, हमें जो फ्राइडे को इसमें देखने को मिली चीज़ें क्या देखने को मिली थी, लगभग 95 पैसे पर ये शेयर ओपन हुआ था और ओपनिंग के बाद इसने लगभग 1.05 रुपये का अपना हाई टच किया था। और देखिए, 1.05 रुपये पर ही हमें क्लोजिंग इसमें देखने को मिल रही है, लगभग 16.67% जो है हमें इस शेयर में बढ़ोतरी देखने को मिली है फ्राइडे को। वन वीक में देखिए ऑलमोस्ट 40% रिटर्न हमें देखने को मिल चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न इसने सिर्फ एक हफ्ते में हमें देखने को मिल गए हैं और वन मंथ में लगभग 31.25% हमें रिटर्न अभी तक देखने को इसमें मिल रहे हैं। बात करें वॉल्यूम्स की, कैसे क्या वॉल्यूम हमें ट्रेड देखने को मिले हैं फ्राइडे को, तो वॉल्यूम भी देखिए बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिल रहे हैं, लगभग 20 करोड़ के आसपास वॉल्यूम देखने को मिले हमें फ्राइडे को। 20,20,36,542 शेयरों का देखिए हमें इसमें ट्रेड देखने को मिला था और लगभग अभी भी देखिए तो 1,40,56,457 शेयरों का हमें अभी भी देखिए अपना ऑर्डर बुक में ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं 1.05 रुपये के प्राइस पर। अगर आप देखें, दो दिन से लगातार देखिए वॉल्यूम में हमें देखिए लगातार इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन कल का वॉल्यूम थोड़ा सा कम था कंपेयर टू, अगर आप कंपेयर करें 7 और 8 तारीख के वॉल्यूम को, तो 8 तारीख का वॉल्यूम थोड़ा सा कम देखने को मिला है, लेकिन अभी भी हमें डिलीवरी परसेंटेज देखें तो लगभग 59.2% डिलीवरी परसेंटेज 8 तारीख को, और 7 तारीख को जो था लगभग 66.5 तो आसपास ही देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी लोग इसको होल्ड करते हुए देखने को मिल रहे हैं और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बाई हमें बाइंग मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये शेयर में आगे भी चांसेस ये बन रहे हैं कि यहाँ से ये और भी ज़्यादा ऊपर हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है, जिस तरह से हमें इसमें वॉल्यूम ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं इसमें आगे के लेवल्स की, कि इसमें कौन सा आपका लेवल रहेगा, कहाँ पर आपको रखना है अपना टारगेट। तो आपको जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, पहले बात करते हैं उन लोगों के लिए, तो जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो वो लोग अभी इसको होल्ड करेंगे। और जो आपका सपोर्ट का लेवल काफ़ी जो बन रहा है देखिए, क्योंकि आपका देखिए ये आपका जो लेवल था 1 रुपये का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस था। देखिए यहाँ पे, क्योंकि पहले भी अपना सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, इस फेस को ब्रेक किया था, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है अपना अब सपोर्ट का लेवल रहेगा। और एक और जो दूसरा सपोर्ट बन रहा है, वो बन रहा है लगभग 90 पैसे के प्राइस पर। देखिए 90 पैसे पर काफ़ी दिन देखिए इसे रेस्ट किया है, एक बार देखिए यहाँ पर रेस्ट किया है, सेकंड टाइम यहाँ, थर्ड टाइम यहाँ, फोर्थ टाइम है, तो काफ़ी बार जो है इस लेवल से इसने रिएक्शन फेस किया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये आपका शेयर यहाँ से आपको दोबारा अगर गिरावट आती भी है तो यहाँ से आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लोग भी ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो क्या करें, इसको होल्ड कर लें। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये शेयर आपका थोड़ा सा देखें, अब गौर करें RSI पे, तो RSI लगभग चल रहा है 75, तो 80 क्रॉस होते ही इसमें क्या होता है कि हमेशा जब भी इसका RSI 85 जाता है तो इसमें थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलती है और ये शेयर थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करके दोबारा से ऊपर जाता है। तो आपको इस बार से घबराना नहीं है, आपको प्रॉपर अपना लेना है अपना SL जो कि मैंने आपको दे दिया है 1.90 रुपये का, या आपको दो अपने SL पकड़ लेना है, इस SL को फॉलो करते आपको इसमें अपनी पोजिशन बना के रखनी है। ठीक है, अगर ये ब्रेक लेवल ब्रेक होता है तो आप जो छोटे से लॉस से निकल सकते हैं। बाकी जो लोग सेफ इन्वेस्टर हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ खेलने जाते हैं तो आपने दो दिन में मान लीजिए 40% रिटर्न बना लिए होंगे, तो आप कुछ क्वांटिटी 20-30% क्वांटिटी निकाल दीजिए। ठीक है, बाकी की क्वांटिटी आप 70-60% अपनी क्वांटिटी होल्ड कर लीजिए, जो कि मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया 90 पैसे का और 1 रुपये का। ठीक है, 1 रुपये का आपका सपोर्ट नंबर 1 है, और बहुत ज़्यादा अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो 90 पैसे का आपका जो लेवल है ये आपका सपोर्ट नंबर 2 का बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा, क्योंकि इसने बहुत अच्छा जो है रेजिस्टेंस का फेस किया था इस लेवल से, तो यहाँ से आपको अब ये सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो रही बात अब जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनके लिए रिस्की और सेफ दोनों की बात कर ली हमने। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं जिनको भी अब न्यू बाइंग करनी है वो क्या करें। ठीक है, तो जिनको न्यू बाइंग करनी है वो अभी करंट लेवल पर बाई कर सकते हैं, और आपका जो टारगेट रहेगा अभी वो 1.20 रुपये का रहने वाला है। ठीक है, तो करंट लेवल पर आप बाई कर सकते हैं, आपका सपोर्ट सेम रहेगा हमारा 90 पैसे और 1 रुपये के आसपास का, 1 रुपये के आसपास का जो है आप सपोर्ट ले सकते हैं सेफ इन्वेस्टर। जो लोग इसमें बाई करना चाहते हैं तो बाई करने में सबसे अच्छी जो पोजिशन बन रही है, क्योंकि इसमें देखिए ब्रेकआउट हुआ है इस लेवल से। ठीक है, तो 1.05 रुपये पर ये पहुंच चुका, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से आपको और भी ये शेयर ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए जो है आप करंट लेवल पर बाई कर सकते हैं, और इसी लेवल के नीचे का भी आप जो है SL ले लें, लगभग 1 रुपये के आसपास का आप ले अपना SL लेके आप इसमें अपनी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। आपका जो टारगेट रहेगा वो 1.20 रुपये रहेगा टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2 1.40 रुपये, और टारगेट नंबर 3 1.55 रुपये। ये हमारे 3 आगे के टारगेट रहेंगे, आप इसको कहीं नोट कर सकते हैं। ठीक है,
बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी, तो मैंने उसमें आप अपना डाउट क्वेरी पूछ सकते हैं। बाकी शेयर काफ़ी अच्छा जो है अभी भागता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, 5G से रिलेटेड अपना कंपनी का काम है। कंपनी के जो अपना काम क्या है कि टावर लगाते हैं, जो 5G के टावर होते हैं और हमारे जो केबल्स होती हैं, इन सब में कंपनी डील करती है। तो ये कंपनी का काफ़ी अच्छा जो है आगे आने वाले समय देखने को मिल सकता है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी और टेलीकॉम आगे आने वाले समय में जो जो 5G का हमारा जो जमाना आ रहा है, कि 5G शुरू हो चुका हमारे इंडिया में, ठीक है, तो इसमें जो है काफ़ी ग्रोथ इस कंपनी में हमें देखने मिल सकती है, जो कि इन पर काफ़ी ज़्यादा कर्जा हो रखा है। उस कर्जे को तो ये अभी एकदम से नहीं चुका पाएंगे, लेकिन धीमे धीमे करके ये कंपनी अपने आप को कर्ज मुक्त जरूर कर सकती है। ऐसी जो है अपेक्षा हम इस कंपनी से कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी पर अभी बहुत ज़्यादा कर्जा हो रखा है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट भी नहीं करना है कि आपने अंदर पैसा अपना लगा दिया, आपके पास एक लाख कैपिटल थी, आपने 1 लाख लगा दी। आपको हमेशा किसी भी पनी स्टॉक में 5-10% से ज़्यादा पैसा लगाना नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। बाकी जो लेवल मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। बाकी आप हमारे फ्री ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें आपको हम पर डे निफ्टी बैंक निफ्टी की ट्रेड्स, स्टॉक ऑप्शंस, आपको हम इंटरडे के स्टॉक कैश वाले जो होते हैं, उसके अलावा आपको स्विंग ट्रेड्स, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म्स के स्टॉक्स, हम आपको बिल्कुल टारगेट एसएल और बाई कहाँ करना है सारी चीज़ें हम बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप की जो लिंक है वो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, उस पर क्लिक करते ही हमारे आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, कोई भी आपको चार्ज पे नहीं करना है। बाकी दोस्तों ये सकता हूँ वीडियो, वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी प्रकार से अपना प्यार हमको बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।